2 अगस्त को भारतीय अधिवक्ताओं के खिलाफ ब्रजेश गुप्ता जी, श्री प्रकाश कुमार जी और मेरे विरुद्ध जो है विधि विरुद्ध ढंग से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी ने अपनी जो कमेटी को है उसको गुमराह करके और एक फर्जी प्रस्ताव बना करके हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया था सनद समाप्त करने की, और इसके बाद स्टेट बार काउंसिल को उन्होंने भेजा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने वहाँ स्टेट बार काउंसिल में जवाब दिया और मामले को हम लोगों ने वहाँ लड़ा, जिसमें माननीय स्टेट बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी के खिलाफ जो है अर्थदंड करके दोषी करार किया था, इसलिए पुनः ये चुनाव हो रहा है 2019 में। हम लोग आज आपत्ति करने आए हैं कि इनके रहते हुए जो है हमारे संघ की गरिमा खत्म हो गई और हमें तमाम शर्मिंदा होना पड़ता है। जो एक अधिवक्ता संघ रीवा का जो नाम था प्रदेश के अंदर वो खत्म हो चुका है। हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए और ये हमेशा अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं। इन्होंने कोर्ट मैटर पर आंदोलन चलवाया, फिर आंदोलन को कुचलने का काम किया, रात के ये आंदोलन छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम लोगों को ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए और ये दोषी करार है, इनका फार्म अवैध किया जाए। आज हमने माननीय निर्वाचन कमेटी के समक्ष जो है आपत्ति प्रस्तुत की है।